सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो एक सास भाई पे बेस होने वाला है, क्योंकि अभी जो है मैं और चंदन भाई यहाँ से जाने वाले हैं पुराने वाले घर पे। वहाँ पे आपने पिछले व्लॉग में देखा हो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया था, तो वहाँ की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान जो है वापस लाना है इस वाले घर पे। तो इसके लिए साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई भी करनी है। और प्लस घर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा सामान जो ऐसे बिखरा पड़ा है, तो उसे भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और फिर जब वहाँ से आएंगे तो ये जो नया वाला घर है वहाँ पे जो है, जो घर के बगल में जो दीवार है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीपल के पेड़ वगैरह हैं, तो उसे भी कट करना है, तो उसे भी कट कर लेंगे। और प्लस जो पुराना वाला घर है उसकी भी पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी। और सरप्राइज़ ये है कि मेरे साथ जो है, मेरे और चंदन के साथ जो है यहाँ से डेजी भी जाने वाली है, जो कि है यहाँ पे। और ये जो है डेजी, चलोगे घूमने? चलोगे? चलो आज आ जाओ, आ जाओ। तो भाई यहाँ पे जो है डेजी रेडी हो चुकी है जाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि डेजी जो है लगभग यहाँ से एक साल के बाद, यानी कि पुराने वाले घर पे आई, उसके बाद से एक बार गई हुई थी वहाँ पे, और अभी जो है लगभग एक साल के बाद फिर वापस जाने वाली है पुराने वाले घर पे, जहाँ पे लगभग 2 सालों से ये थी। तो इसके इसका जो है रिएक्शन भी देखना है कि डेजी का रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। We are not alone.
होगा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद से अभी जो है कुछ सफाई हुई है और कुछ सफाई बाकी है। जैसे कि पीछे का जो है पूरा साफ़ हो चुका है और इस साइड का भी लगभग लगभग साफ़ हो चुका है। अब केवल ये जो नीचे जो फर्श पे है, फर्श ज़मीन पे जो है उसकी साफ़ सफाई करनी बाकी है, तो वो भी आज हो जाएगी। उसके बाद से इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए, और जब 2-3 दिन के बाद से जब ये सूख जाएगा फिर अगर इसे जला देंगे, उसके बाद से जो है घर पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। यहाँ की जो सफाई है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें सफाई करनी है वहाँ की, जो कि मैंने आपको बताया था नए वाले घर की। तो अब यहाँ चल रहे हैं वहाँ पे, और डेली जो है प्रयास क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थक चुकी है, तो इसलिए इसमें ले के जाना जरूरी था। अभी घर के अंदर की सफाई नहीं हुई है, वो होगी 3 दिन के बाद जब हम बिताएंगे चलाने के लिए। तो भाई हमें जो है यहाँ पे जो है कुछ पीपल के पेड़ हैं जिसे हमें कट करना है, जैसे कि ये हो गया। और ये जो पोस्टर है वो कल का ही लगा हुआ है, इसका ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। तो हमें जो है पेड़ कट करना है। काफ़ी पहले जो है यहाँ पे काफ़ी सारे घास चल गए थे, जो कि आपको ऐसे पिक्चर में दिख रहा है, तो उसे जो हमने साफ़ किया था। अब जो है हमें इसका बाकी हो रह गया था, तो इसे भी साफ़ करना है। और उस दिन जो है यहाँ की भी सफाई हुई थी, जो कि अभी सूख गया है। ये पहले कुछ ऐसा था, लेकिन कटने के बाद से जो है ये इतना सूख गया है, और इसे भी कट कर देंगे, और प्लस वहाँ का जो है उसे भी कट करना है। तो भाई यहाँ की भी जो सफाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और अभी जो है मेरे पास प्रिंस का कॉल आया था, क्योंकि मुझे जो है जाना था गोपालगंज काम था, ये ट्रॉली बैग लेना था, तो ऐसे ऑटो से जाना होता, तो प्रिंस ने कॉल किया, वो पास में ही है तो वो आ रहा है यहाँ पे घर पे, तो अभी नहाना भी है, तो उसके कोशिश करते हैं उसके आने से पहले नहा, लेकिन उसने बोला कि 5 मिनट में आ रहे हैं, तो देखते हैं कितने मिनट में आता है वो, लेकिन कोशिश यही रही कि उसके आने से पहले नहा लें फिर रेडी हो जाए। अभी जो है मैं रेडी हो चुका हूँ, और प्रिंस ने जैसा कि टाइम बताया था कि 5 मिनट में वो आने वाला है, तो 5 मिनट में आ गया था। मैं जैसे नहाने गया वैसे ही वो आ गया, तो लगभग उसे 10 से 15 मिनट वेट भी करना पड़ा, तो वो नीचे ही है। तो चलते हैं यहाँ से, और जो गोपालगंज में जो भी ट्रॉली बैग लेना है उसे लेंगे, जो भी होगा आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा।